हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पैचवर्क का काम सीखेंगे। ये पैचवर्क आप पिलो कवर्स बना सकते हैं, या तो पूजा के आसन के लिए बना सकते हैं, फ्लोर मैट बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं। आपको जैसे चाहिए आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने एक बेस के लिए आप कोई भी पीस ले सकते हैं। ये मैंने ब्लाउज पीस का एक पीस लिया है। ये अराउंड मैंने 18 बाय 18 लिया है। साइज आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जरूरी नहीं है यही साइज हो। सबसे पहला मैंने जो पीस लिया है ये 3 बाय 3 का है। बाकी पट्टियां मैंने देखिए 2.5 की पट्टियां निकाली है। दो कलर में ही लिया है मैंने ऐसे। ये देखिए, ये 2.5 इंच की लंबी पट्टियां हैं। जैसे जैसे हमें यूज होगा वैसे वैसे हम लोग ये काटते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये इस कॉर्नर में लगाएंगे। सब काम होने के बाद, फिनिशिंग होने के बाद हम लोग इसको पाइपिंग करेंगे साइड में से। इसके लिए हम लोग कॉर्नर से काम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये मैं यहाँ पे अटैच कर लूंगी। यहाँ इस तरफ एक सिलाई, इस तरफ एक सिलाई करूंगी। इस पैचवर्क में हम लोग डायगोनली ये डिवीजन होगा। एक साइड का पूरा क्रीम कलर से आएगा, एक कलर का पूरा ब्लू कलर से आएगा। तो जब भी मैं इस तरफ पीस लगाऊंगी तो मैं क्रीम से लगाऊंगी, इस तरफ जब भी पीस लगाऊंगी मैं ब्लू से लगाऊंगी। अभी सबसे पहले ये देखिए, इस तरफ का पीस लगाऊंगी मैं, और इसका पीस मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। ये देखिए, इस तरह ऐसे रख के मैं इसके ऊपर स्टिच करूंगी। पीस ऐसे टर्न करके यहाँ पे जितना पीस मुझे चाहिए उतना ही रख के एक्स्ट्रा मैं कट कर दूंगी। इसके ऊपर आप अच्छे से प्रेस करके हम लोग यहाँ पे स्टिच करेंगे। द नेक्स्ट पीस जो है हम लोग इस तरफ लगाएंगे। इसमें रॉयज अपने आप छुप जाएगा। यहाँ पे स्टिच होने के बाद हम लोग ऐसे रखेंगे और इस तरफ का स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे। इसके ऊपर हम लोग ऐसे प्रेस कर देंगे। एक्स्ट्रा जो पीस है हम लोग कट कर देंगे। अभी इस तरफ का पीस हम लोग, ये स्टिच करना जरूरी इसके लिए है ताकि ये पीस अच्छे से बैठ जाए, वरना अगला पीस लगाते वक्त ये हो सकता है कि फोल्ड हो जाए। आप इवन ये बेस रखे बिना भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग जस्ट बाद में पीस लगाने से अच्छा हम लोग इसको काम करते करते ही ये अटैच कर रहे हैं। बाद में आप ये पीस जैसे चाहिए आप वैसे यूज कर सकते हैं। इस तरफ का काम है अभी, तो हम लोग ये पीस लगाएंगे ये कलर। ये होने के बाद फिर से ये कलर, फिर से क्रीम कलर। ऐसे ही इस तरफ क्रीम और इस तरफ ब्लू करते हम लोग ये पीस पूरा करेंगे। देखिए, इसी तरह ज्वाइन करना है। यहां से भी आप शुरू कर सकते हैं या तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं।
इतने पीसेस हमारे लग गए हैं, और ये जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस बचा है अभी हम लोग वो काट लेंगे, इसे हम लोग अभी साइड से पाइपिंग कर लेंगे। पाइपिंग आप चाहो तो ये कलर का फुल कर सकते हैं, ये कलर का फुल कर सकते हैं, या तो फिर जहाँ क्रीम है वहां पे क्रीम का पोर्शन, और जहाँ पे ब्लू है वहां पे ब्लू का पाइपिंग करने के लिए हम लोग ये अढ़ाई इंच का नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अराउंड डेढ़ इंच का इस्तेमाल करेंगे, डेढ़ से दो इंच का, अढ़ाई इंच ज्यादा हो जाएगा। ये पट्टी इसके नीचे रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे कट कर दिया, अब ये फोल्ड करके हम लोग इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इस तरफ का पाइपिंग हो गया, अभी यहाँ पे पाइपिंग करते वक्त हम लोग यहाँ पे ये देखिए ऐसे रख के ये थोड़ा आगे रख देंगे ऐसे, और इसके ऊपर स्टिच करेंगे ताकि ये फिनिशिंग यहाँ पे आ जाए। ये यहाँ पे रॉ एज है और यहाँ का फिनिशिंग करने के लिए ही हम लोग ये आधा इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। ये फिनिश हो गया इसका, हम लोग अभी ये करेंगे तो ये क्लीन फिनिश आ गया। दूसरी दो भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखिए हमारा ये आसन तैयार हो गया है, दोनों ओर हमने पाइपिंग किया है। ये देखिए हमारा आसन तैयार हो गया। ये पैटर्न आप आपके बैग्स में यूज कर सकते हैं, डोरमैट में यूज कर सकते हैं, फ्लोर मैट में यूज कर सकते हैं, टेबल मैट में यूज कर सकते हैं, जहां पे भी चाहिए आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी दो कलर में बनाएं, आप अलग अलग पैटर्न के आपके बचे हुए स्ट्रिप्स में भी ये यूज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।